मैं खुश क्यों नहीं हूं, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। मेरे पास में एक पेशेंट आया, बोल रहा कि मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी, मुझे खुशी नहीं लगती है। मेरे पास में सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, जो चाहिए वो है, तो भी मुझे खुशी नहीं लगती है, क्या कारण है? और ऐसा बहुत लोगों को है, तो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त न्यू महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। लोगों के पास में सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों को लगता है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे शांति क्यों नहीं है, मुझे समाधान क्यों नहीं है, रिलैक्स क्यों नहीं लगता मुझे, क्यों टेंशन है, क्यों स्ट्रेस है। जब पेशेंट बोलने लगा तो मुझे लगा मैं भी तो ऐसी हूँ, मुझे भी खुशी नहीं है, जैसी चाहिए वैसी खुशी मुझे भी मिलती नहीं है, तो इसका कारण क्या है? तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई अपने दिमाग में चार मेन हार्मोन्स है जो फील गुड हार्मोन्स हैं, और वो हार्मोन्स जो है वो ठहराते हैं कि मैं खुश रहूंगा या नहीं रहूंगा, और अभी उसको कम ज्यादा करना अपने हाथ में, और वो हम सम्मोहन से, सीबीटी से, काउंसलिंग से कर सकते हैं। ये कौन से हार्मोन्स हैं? एंडोर्फिन्स नंबर एक, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये चार। तो पहला हार्मोन है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो है वो फील गुड हार्मोन है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ये हार्मोन सीक्रेट होता है, और फिर जैसे जैसे एक्सरसाइज हमारी बढ़ जाती है वैसा वैसा अपने को अच्छा लगने लगता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई आपको एक्सरसाइज करने का बहुत मतलब ऐसा आलस आया होगा, तो आपने क्या करना है, थोड़ी शुरुआत कर दो, 5 मिनट ही 10 मिनट ही एक्सरसाइज करो। जैसे आप एक्सरसाइज करना चालू करेंगे एंडोर्फिन सिक्रेशन चालू हो जाएंगे, उससे आपको अच्छा लगने लगेगा, फिर और आप एक्सरसाइज करना चालू रखेंगे। लाफ्टर, जब हम हंसते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है, तो दिन भर में बहुत हंसो। देखो ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स, एक कुछ लोगों को आदत ऐसी बनी हुई है कि बहुत हंसते हो, और थोड़ा भी हो गया हमको ऐसा लगता है कि इतना क्यों हंस रहे भाई, इतना क्या बड़ा जोक हो गया, मगर वो हंसते रहते हैं। वो हंसना जो है एंडोर्फिन रिलीज करते रहता है। तो 30 मिनट की एक्सरसाइज, 5-10 मिनट का हंसना, इसलिए लाफ्टर क्लब्स काम करते हैं, तो उससे एंडोर्फिन्स काफी रिलीज हो जाएगा। दूसरा हार्मोन है डोपामिन। डोपामिन का ऐसा है कि जब हम कुछ अकम्प्लिश करते हैं तो हमको डोपामिन सिक्रीशन होता है। अकम्प्लिश करना मतलब क्या है? जब हम कुछ खरीदते हैं, समझो नया ड्रेस खरीदा अच्छा लगता है, कार खरीद लिया अच्छा लगता है, मकान खरीद लिया अच्छा लगता है, कुछ तो भी मिलता है, तब डोपामिन सिक्रेट होता है। कोई मुझे अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज करता है, बहुत अच्छा बोलता है, थैंक यू बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया ऐसा बोलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ना कुछ लोगों के लिए करो तो फिर अपने को लोग अच्छा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब अप्रिसिएशन मिलेगा तो अच्छा लगेगा। या कुछ ना कुछ टास्क आप करते हैं, तो कुछ टास्क आप करते हैं, कुछ काम करते हैं, है ना, आपने देखा होगा कि जिस दिन बहुत अच्छा काम हो जाता है ना, बहुत काम अपने हो जाते हैं, अपने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने बहुत सारे टास्क कंप्लीट किए, और जब टास्क कंप्लीट करते हैं, मतलब जब काम कंप्लीट करते हैं, तो डोपामिन सिक्रेट होता है, अपने को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए काम करते रहो, काम में बिजी रहो, और काम में बिजी रहेंगे, अकम्प्लिश करते जाएंगे, रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, अच्छा लगेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे अच्छा लगेगा, चीजें खरीद लो। इसलिए तो आपको मालूम होगा शॉपिंग करते लोगों को अच्छा लगता है, होटल में जाते खाना खाते लोगों को अच्छा लगता है, तो वो है डोपामिन, जिससे ये आपको अच्छा लगता है और हैप्पीनेस मिलता है। तीसरा जो हार्मोन है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन सिक्रीशन जो है वो भी फील गुड हार्मोन है। वो कब होता है? कि जब हम लोगों के लिए कुछ तो भी करते हैं, लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों के जीवन में मेकिंग ए डिफरेंस करते हैं, लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वहाँ सेरोटोनिन सिक्रीशन होता है। इसलिए जब हम कम राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, कोई लेख लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, कोई वीडियो पब्लिश करते हैं, कुछ भी हम ऐसा करते हैं कि जिससे मतलब लोगों को एजुकेशन देना, जिससे लोगों को फायदा होगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, उसमें हमको अच्छा लगता है। इसलिए लोग डोनेशन देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है डोनेशन देके, और उनका सेरोटोनिन सिक्रीशन होता है। चौथा जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। अभी ऑक्सीटोसिन कब होता है रिलीज? जब हम किसके क्लोज जाते हैं, तो पास में बैठते हैं, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, किसको जादू की झप्पी देते हैं, शेक हैंड करते हैं, गले लगाते हैं, कोई भी जो भी हम फिजिकली इंटीमेसी जब जब वहाँ जहाँ जहाँ होती है, वहाँ वहाँ ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होते रहता है।
इसलिए कभी भी लोगों के पास में जाओ, झप्पी मारो, शेक हैंड करो, फिजिकल इंटीमेसी बताओ, तो जब हम करते हैं बच्चों को, जब हम पास में लेते हैं तो हमको ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन तब होता है और हमको फिर उस समय अच्छा लगता है। तो फिर हमको यदि अच्छा लगना है, फील गुड लगना है, तो हमने एंडोर्फिन सिक्रेट करना चाहिए। इसका ही मतलब यह है कि हम काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी हंसते हैं। डोपामिन सिक्रीशन है जब हम अकम्प्लिश करते हैं, खुद को एप्रिसिएशन लेते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं। सेरोटोनिन सिक्रीशन हमको करना है हमारे इसमें दिमाग में, तो हमको लोगों को कंट्रीब्यूट करना है। और जो होता है ऑक्सीटोसिन हमको ये ज़्यादा सिक्रेट करना है, तो फिर फिजिकल इंटीमेसी बढ़ाने का है। इसलिए लोगों में हम जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है हमको लोगों में रहते हैं। तो ये हम चारों भी काम करते हैं तो डेफिनेटली फील गुड हार्मोन सिक्रेट होंगे, हमको हैप्पीनेस लगेगा। अभी ये एक्चुअली करना है और विजुअलाइजेशन करना है इसका। हम हिप्नोथेरेपी उसको विजुअलाइजेशन करने लगाते हैं कि विजुअलाइज करो और एक्चुअली वो हो रहा है ऐसा कल्पना करो, तो सिक्रीशन हो जाएगा ये हॉर्मोन्स का, आपको अच्छा लगने लगेगा। और एक्चुअली भी करने लगाते हैं कि एक्चुअली भी करो लाइफ में, तो भी आपको अच्छा लगेगा। ये आप यदि करते हैं तो डिप्रेशन आपके आसपास में भी आएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।